नमस्कार, मैं हूं आशीष दुबे। टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे इमरान खान के आतंकी प्रैंक की। यूं तो हर कोई जानता है कि पाकिस्तान में आतंकी मानो ऐसे घूमते हैं जैसे वहां के वो सम्मानित नागरिक हों, और इमरान खान हर एक मंच से इस बात को सिरे से खारिज कर देते हैं। लेकिन इस बार अमेरिका ने जो दावा किया है उसने पाकिस्तान की पोल खोल दी है और साफ तौर पर यह संकेत दे दिए हैं कि आने वाले वक्त में इमरान खान की मुसीबत बढ़ने वाली है। अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ और कश्मीर में होने वाली नापाक हरकतों के पीछे किसका हाथ है, ये बात किसी से छिपी नहीं है और भारत भी इसके चलते ही पाकिस्तान को हर मंच पर घेरता है। ऐसे में अब अमेरिका ने भी पाक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जो साफ तौर पर संकेत है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान पर बड़े प्रतिबंध लग सकते हैं। दरअसल अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आतंकवाद को लेकर जारी अमेरिका की 2020 की रिपोर्ट में इमरान खान और आतंकी समूहों की सांठगांठ से पर्दा उठा दिया है। दरअसल रिपोर्ट में कहा गया है कि क्षेत्रीय रूप से आतंकवादी समूह पाकिस्तान से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार अफगान तालिबान और उससे जुड़े हक्कानी नेटवर्क समेत अफगानिस्तान को निशाना बना रहे समूहों के साथ ही भारत को निशाना बना रहे लश्कर ए तैयबा और उससे जुड़े आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद समेत अन्य आतंकी संगठन पाकिस्तान की सरजमी पर अपने आतंकी ठिकानों को धड़ल्ले से चला रहे हैं। अमेरिका ने साफ कर दिया कि इमरान खान के देश में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड कहे जाने वाले और उसके प्रोजेक्ट मैनेजर रहे मीर जैसे आतंकी खुलेआम आमतौर पर देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ मसूद अजहर को भी इमरान सरकार ने संरक्षण दे रखा है। वैसे तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में है, लेकिन इसके बावजूद वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ऐसे में भारत के साथ UN के आतंकवाद रोधी अभियान के तहत अमेरिका अपनी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसे में अगर वक्त रहते पाकिस्तान ने अपनी नीतियों में सुधार नहीं किया तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले वक्त में उसकी मुसीबत और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब करें। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दे, जो सच्चाई का आदर करे लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखे, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहे। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।